दोस्तों आज का वीडियो जो है ये पान के पौधे के बारे में है कि आप पान का पौधा घर पे आसानी से कैसे लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने कुछ कटिंग लगा रखी थी है और ये ग्रो हो गई है, इसमें कितनी जड़ें बन गई हैं। आज मैं आपको पान के पौधे लगाने की दो तरकीब बताऊंगा, दो तरीके से आप कैसे लगा सकते हैं, एक तो पानी में और एक मिट्टी में कैसे लगानी है आपको पान का पौधा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों कई लोग जो है पान का पौधा अपने घर में लगाना चाहते हैं लेकिन वो कहीं से कटिंग लाते हैं या नर्सरी से पौधा लाते हैं तो कुछ ही दिनों में खराब हो जाता है और कटिंग उनकी ग्रो नहीं होती है। मैं आपको दिखाऊंगा पान का पौधा मेरा जो लगा हुआ है, देखिए ये मदर प्लांट है, देखिए इसमें कितनी अच्छी पत्तियां हो रही थी और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। इस समय जो बरसात का समय है इस समय जो पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है और इस समय ही आप नए नए पौधे अपने घर पे आसानी से तैयार कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए मैंने कुछ पौधे जो हैं ये लगाए थे और ये कितने अच्छे ग्रो हो रहे हैं, कई पौधे मेरे तैयार हो चुके हैं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ, ये मैंने जो डिस्पोजल ग्लास है इसमें लगाए थे और कुछ पौधे मैंने पानी में भी ग्रो कर रखे। ये देखिए जो ये पान की बेल है ये पानी में भी ग्रो हो जाती है इस तरीके से, देखिए इसमें कितनी जड़ें बन गई हैं देखिए। उसके बाद इसको आप मिट्टी में ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको सबसे पहले जो पान की बेल है वो जो लगानी है वो कम से कम जो मिट्टी का गमला है 10 इंच का तो होना ही चाहिए, 10 इंच से ऊपर का मिट्टी का गमला होगा तभी आपकी अच्छी ग्रो करेगी। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी कटिंग कैसे आप घर पे तैयार कर सकते हैं। आप जब कटिंग लगाते हैं पान के पौधे की तो उसमें आपने क्या देखना है, ये देखिए जैसे ये पान का पौधे की ये यहां से जड़ें निकलनी है, देखो इसमें जो साइड रूट निकलती हैं छोटी छोटी आपको यहां से दिखेंगी, देखिए ये जो साइड रूट निकलती हैं यहीं से जो है पान का पौधा अपनी ग्रोथ करता है। तो आप जब कटिंग लेंगे उसकी, ये देखिए एक नोड ये एरिया ये है, एक इसका शुरुआत का है, ये दूसरी नोड एरिया है, ये तीसरी है। तो आप तीसरी जो नोड एरिया होती है जहां से इसकी जड़ें बनती है आप वहां से तिरछा इस तरीके से तिरछा कट कर, ये जो नोड एरिया है उससे 1 इंच नीचे आप इसको कट कर दीजिए, क्योंकि नोड एरिया से 1 इंच नीचे करेंगे जो इसमें जड़ें बनती हैं वहीं से इसकी ग्रोथ स्टार्ट होगी, तो इसलिए आप 1 इंच नीचे इसको कट करिए, वो भी तिरछा कट करेंगे तभी इसमें जो है पानी रुकेगा नहीं तो इसमें फंगस लगने का डर रहता है। तो इसको कट करने के बाद आपने इसको कैसी मिट्टी में लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, जो इसके लिए मिट्टी तैयार करते हैं उसके लिए आपको गार्डन सॉइल चाहिए। गार्डन सॉइल आप जो अपने गार्डन से कोई भी मिट्टी निकलती है कोई गमले से वो मिट्टी में लगा सकते हैं, कई लोग इसको जो है रेते में भी लगाते हैं लेकिन मैं जो है गार्डन सॉइल में ही इसको लगाता हूँ क्योंकि रेता कहीं मिलता नहीं है आसपास। ये देखिए गार्डन सॉइल लीजिए, आप किसी पॉट में या आप डिस्पोजल ग्लास में भी लगा सकते हैं, मैं आपको पॉट में भी लगाकर दिखाता हूँ, डिस्पोजल ग्लास में मैंने लगाई हुई है पहले से, आप उनको भी यूज कर सकते हैं। ये गार्डन सॉइल जो है आप इसमें भर दीजिए, इसमें अभी खाद की जरूरत नहीं होती है क्योंकि अभी इसकी जो जड़ें बनेंगी उसके बाद इसमें खाद की जरूरत होगी। ये आपने जब गार्डन सॉइल तैयार कर दिया है उसके बाद आप इसमें गार्डन सॉइल भरने के बाद एक चीज जो खास चीज है जिससे इसमें फंगस भी नहीं लगेगा और जो है रूट्स अच्छे से आसानी से निकल जाएंगी वो चीज डालनी है, ये है देखिए ये लकड़ी की राख है, इसमें जो होता है फंगिसाइड भी कहेंगे इसको, पेस्टिसाइड भी कहेंगे। अगर आप इसको मिट्टी में डाल देंगे इस तरीके से, इसको हल्का सा ऊपर से डाल दीजिए और हल्का मिट्टी में इस तरीके से मिला दीजिए, एक मुट्ठी करीब डाल दीजिए। आप अगर गिलास में लगा रहे हैं डिस्पोजल तो उसमें थोड़ी सी मात्रा की जरूरत होती है और अगर एक बड़े पॉट में लगा रहे हैं तो उसमें एक मुट्ठी डाल दीजिए और उस मिट्टी में इस तरीके से इसको मिला दीजिए। ये एक फंगिसाइड भी है और पेस्टिसाइड है जो रूट को गलने नहीं देगा और इसमें कीड़े वगैरह लगने नहीं देगा। तो इसमें मिट्टी में आप पानी डाल दीजिए इस तरीके से, पानी की मात्रा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, पानी तभी डालिए जब आपकी मिट्टी सूख जाए, कम से कम 3-4 दिन बाद मिट्टी थोड़ा सूखने लगती है तो उस समय पानी डालिए, अभी इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं है। ये जो कटिंग होती है इसको आपने क्या करना है, एलोवेरा जेल है, एलोवेरा का जो आपने अगर लगा रखा है एलोवेरा में इसको लगा दीजिए इस तरीके से, एलोवेरा जेल लगाएंगे नीचे से कटिंग के, तो इससे ये क्या होता है एक रूटिंग हार्मोन की तरह काम करता है, इससे जड़ें जल्दी निकलती हैं। एलोवेरा जेल लगाइए
और जो मिट्टी बना रही है आपने उसमें इसको 2 इंच करीब नीचे लगा दीजिए, कम से कम 2 इंच तो लगाइए, क्योंकि अगर आप ऊपर ऊपर लगा देंगे तो इसमें रूट्स निकलना बंद हो जाएंगी, रूट नहीं निकलेंगी इसमें। तो आप इस तरीके से अपने जो कटिंग लगा रखी उसको छाया वाली जगह में रख दीजिए, कहीं छाया वाली जगह में रखिए या पेड़ के नीचे कहीं। कुछ दिनों बाद इसमें रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगी, कम से कम 8 से 10 दिन ये रूट निकालने में लगता है। उसके बाद आप इसको धूप में रखने दे दीजिए, 1 घंटे की धूप जरूर दीजिए पौधे को। मेरा जो ये पौधा है कम से कम 1 घंटे की धूप में रहता है यहाँ, तभी इसमें जो इसकी पत्तियां हैं थोड़ी सी हरी हैं। आप सोचोगे इसको छाया वाली जगह में रख दें तो उससे भी इसमें अच्छी ग्रोथ नहीं होती है, इसको कम से कम 1 घंटे की धूप में जरूर रखिए, तभी इसकी पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है और इसकी पत्तियां भी हरी होती हैं। मेरे यहाँ सुबह सुबह की धूप आती है तभी इससे पौधा ग्रोथ भी कर रहा है, देखिए नई नई शूट्स निकालने में लगा है। इस तरीके से आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। और एक तरीका और है, पानी में जो है इसको कैसे ग्रो करते हैं, ये देखिए मैंने पानी में भी ग्रो कर रखा। पानी में कैसे ग्रो करना है वो भी मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए पहले, उससे पहले देखिए मैंने जितनी कटिंग लगाई थी, जब मैंने इसकी कटिंग करी तो उस समय ये सब पानी में लगा दी थी और देखिए सब में रूट्स निकलने लग गई है। जो पान का पौधा है ये पानी में भी आसानी से ग्रो हो जाता है, जब इसमें रूट निकलने लग जाती है उसके बाद इसको आप मिट्टी में लगा सकते हैं। ये देखिए आपने क्या करना है, इसकी जब कटिंग करनी है ऐसे ही जो कटिंग मैंने बताई थी आपको, 1-2 नोड एरिया के बाद इसमें नीचे कटिंग करिए, उसके बाद इसको पानी में डाल दीजिए। और पानी जो है वो हर हफ्ते कम से कम 5 से 6 दिन के बाद चेंज कर दीजिए, क्योंकि अगर चेंज नहीं करेंगे तो उसमें फंगस लग जाएगा और आपका जो पान का पौधा है वो ग्रो नहीं करेगा, उसकी नीचे से जो ब्रांचेज हैं खराब हो जाएंगी, गल जाएंगी, पानी से जो है इसकी सारी ब्रांच नीचे की जो जड़ें बन भी रही होंगी वो गल जाएंगी, इससे पौधा आपका खराब हो जाएगा। इसलिए इसको 5-6 दिन में आप चेंज करिए पानी को, तो आपकी जो पान का पौधे की कटिंग है वो अच्छे से ग्रो हो जाएगी। और पानी में ये आसानी से ग्रो हो जाती है, इसको पानी में ग्रो होने में भी 10 दिन का टाइम लगता है, 10 दिन के बाद इसमें ऐसे रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप पान के पौधे की कटिंग लगा सकते हैं घर पे आसानी से और अपने हजारों पौधे तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको आगे अपने रिश्तेदारों में दोस्तों में जरूर शेयर करें कि पान के पौधे की कटिंग कैसे लगाते हैं। धन्यवाद।